हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। ये जो खेल चल रहा है, पौने 200 रुपए का इजाफा हो गया है गैस में। सोनिया जी, मनमोहन जी, आपकी सरकार महंगाई क्यों नहीं रोक पा रही? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी की जेब खाली हो रही है और अब साथ ही किचन का बजट भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। अब सब्सिडी वाला सिलेंडर 769 रुपए में मिलेगा। इसको लेकर अधिक जानकारी न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट के जरिए दी। गैस के दामों में क्या कमाल का इजाफा हुआ है, इसका आंकड़ा भी आपको मैं बता देता हूं। 594 रुपए कीमत थी 3 महीने पहले, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, गैस के दामों की, एक सिलेंडर की, अब वो हो गया है 769 रुपए, 769 रुपीज। 594 का 3 महीने पहले, आज 769। 50-50, फिर 25-25-50, ये जो खेल चल रहा है, पौने 200 रुपए का इजाफा हो गया है गैस में। और यहां पर गैस सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम की जो बातें की जाती हैं, उसके भी कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन एक खामोशी है, सरकार कुछ नहीं कह रही, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, कोई तसल्ली भी नहीं दे रही कि दाम अभी हम कम कर देंगे। बता दें कि एलपीजी की कीमत बाकी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तरह ही सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे इंटरनेशनल ईंधन की दरों में बढ़ोतरी और अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य बड़ी वजह है। आज के सत्ताधारी सरकार के नेता अतीत में पेट्रोल डीजल की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी प्रदर्शन कर चुके हैं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर मनमोहन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की आलोचना भी की थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा, और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बीजेपी के प्रमुख नेता महिला मोर्चा की बहनों के संग मिलकर मार्गदर्शन देंगे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनमोहन सरकार की काफी आलोचना की थी। सोनिया जी, मनमोहन जी, आपकी सरकार महंगाई क्यों नहीं रोक पा रही? आज भी गैस के सिलेंडर में बिना सब्सिडी के 26 रुपए के दाम में और वृद्धि हो गई है। पहाड़ों की जनता, हिमाचल की जनता महंगाई से परेशान है, देश भी परेशान है। न सोनिया गांधी जी, न डॉक्टर मनमोहन सिंह, न श्री राहुल गांधी कोई जवाब देते हैं हिमाचल प्रदेश की सभाओं में, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, जबकि सरकार उनकी चल रही है 9 साल से और महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। श्रीमती सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, सीधे जवाब दें, आप महंगाई का उत्तर क्यों नहीं देते अपने प्रचार में, उस पर खामोश क्यों रहते हैं? मोदी जी भी महंगाई को लेकर तब की मनमोहन सरकार के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया करते थे। आज जब उनके समय कीमतें बढ़ रही हैं, तो अब भी उन्हें कुछ बोलना चाहिए। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि अगर हम चुन करके आएंगे महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ?
मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। यही तो कारण है भरोसा टूट गया है। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार की आलोचना की और दाम कम करने को भी कहा। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं, पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं पेट्रोल का दाम, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है, 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020 मतलब 2 महीने के अंतर्गत ये कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता पर क्या असर पड़ता है, आप इस वीडियो को देखकर जान ही जाएंगे। एनडीटीवी के को चेयरपर्सन प्रणय राय ने गांव में जाकर वहां के लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को देश के सामने रखा। आपके घर में सिलेंडर है? सिलेंडर तो है, मायावती ने एक दिलवाया था और एक ऐसे खरीदा गया था घर से, मोदी ने खरीदवाया था। तो भरा हुआ रहता है? कहाँ भरवाते हैं, अभी तो खाली ही धरा है। गर्मियों में गैस सिलेंडर अभी घर में खाली धरा है, अगर पैसे होंगे तभी भरवाएंगे। अभी खाली है, दिखा देंगे आपको। यस, कहाँ पे है? नहीं नहीं, वही वही रहने दीजिए, खाली है। हाँ, ये खाली है। यस, उठाकर देख लीजिए। बिल्कुल खाली है। खाली क्यों है? खाली इसलिए है कि अभी काम वाम तो लग नहीं रहा है, कौन काम करें, हम लोग तो पैसे भी नहीं है घर पे इतने समय। कितना लगता इसमें? वही 900-100 का भरता होगा, अभी तो भरवाने पापा गए ही नहीं, तो पता क्या चले हम लोगों को। तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इतने समय, इस्तेमाल नहीं तो हो रहा। कहाँ पे पकाते हैं? किस चीज पे? वो चूल्हे में पकता है खाना। अब बात गोदी मीडिया की भी कर ही लेते हैं। गोदी मीडिया में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कितनी डिबेट्स देखने को मिली? शायद 2-3 या फिर एक भी नहीं। देखते हैं गोदी मीडिया में आजकल क्या कुछ चल रहा है। पीएफआई का प्लान, हिंदू संगठनों पर वार। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी की किलेबंदी, क्या आएगी काम? ये लोग दंगे फैलाना चाहते थे। इस देश विरोधी संगठन के खिलाफ सबूतों की लिस्ट, जो लिस्ट है ना, दंगाजीवी गैंग में कितने किरदार, देश विरोधी मासूम के साथ कांग्रेस का हाथ। सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले दी है तो ये आंदोलन जीवी बाहर आ जाते। फ्रांस सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसमें कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन ही एक्शन है। इसमें अब मस्जिदों की निगरानी होगी, मदरसों और मस्जिदों की फंडिंग पर नजर रहेगी, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाएगा, पेटी लॉ भी इसको कहा जा रहा है। क्या कानून से गला काट कट्टरता खत्म होगी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना बैठ के, आपको कष्ट क्यों हो रहा है अगर बाहर से कोई आ रहा है देखने? पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका पूरा असर देश की जनता पर पड़ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान देगी और कीमतों को कम करेगी ताकि आम आदमी पर ज्यादा बोझ न पड़े। पंजाब टुडे रिपोर्ट।
If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.